हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एंड टुडे आई स्टार्ट आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। नो योर ग्रामर फोर। इन आवर प्रीवियस क्लास वी रिविजन टू चैप्टर, चैप्टर वन एंड चैप्टर टू, एंड टुडेज वी रिवाइज द चैप्टर, चैप्टर नंबर थ्री। ओके, सो यू नो द पॉजिटिव नाउन्स। Which are the possessive noun? Boy apostrophe s, boys, sailor apostrophe s, sailors। तो ये जो मतलब name के बाद apostrophe s होता है तो उसको बोला जाता है possessive noun for singular noun। okay, singular possessive noun। okay, plural possessive noun क्या है? देखो, men के बाद आता है men's, मतलब plural form। जो एनी नाउन का प्लुरल फॉर्म जो है, प्लुरल फॉर्म के साथ जब एपोस्ट्रॉफी एस होता है तो तब उसको बोला जाता है प्लुरल पॉजिटिव नाउन्स। ओके, कुछ प्लुरल पॉजिटिव नाउन में क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी के बाद एस होता है, और कुछ में होता है एस होता है उसके बाद एपोस्ट्रॉफी होता है। और वो कहाँ यूज होता है वो देखना है आपको। सो ये पूरा आपको रिवाइज करना है। ओके, पहले मैंने कर दिया है तो इस बार आप लोग खुद से करोगे। नेक्स्ट इज सिंगुलर एंड प्लुरल नाउन। ऑब्वियसली ये जो प्लुरल फॉर्म है, सिंगुलर का प्लुरल बहुत ही मतलब अच्छे से लर्न करना है। लर्न दिस वेरी वेल। ओके, सब नाउन का प्लुरल फॉर्म अच्छे से लर्न करना है। क्या होता है देखो, बॉय बॉयज, मंकी मंकीज, ओके, जर्नी जर्नीज। यहाँ पे देखो, अगर डबल एस होता है, एक्स होता है, एस एच होता है तो ई एस ऐड होता है उसके साथ, सी एच होता है तो भी ई एस होता है, या ग्लास ग्लासेस, चार चार्चेस, बीच बीचेस। अगर ओ होता है लास्ट में और उसके पहले कॉन्सोनेंट होता है तो ई एस ऐड होता है। अगर लास्ट में वाई होता है तो चेंज होके हो जाता है आई ई एस, वाई के बदले आई ई एस हो जाता है। अगर ए फॉर एफ ई होता है तो क्या होता है, वी ई एस हो जाता है। ये तो पूरा ही मतलब सिंगुलर नाउन पूरा ही चेंज हो जाता है जब प्लूरल में होता है तो। फूट फीट, टूथ टीथ, फोकस फोकी। ओके, ये जो एक्सरसाइज है आपको खुद से करनी होगी। ओके, आप लोग रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पर भी पूरा प्रैक्टिस करोगे। ओके, ऐसा आ सकता है कि व्हिच वन इज़ द प्लुरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड, ऑप्शन में जो होगा चिल्ड्रेन या फिर कुछ भी होगा तो वो आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो थ्री और फोर, चैप्टर थ्री और फोर आज के लिए, आज के क्लास के लिए वो आप लोग रिविजन करोगे। ठीक है, रिवाइज द चैप्टर थ्री एंड फोर। ओके स्टूडेंट, सो आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप लर्निंग।